ये मुजफ्फरनगर का योग साधना यशवीर आश्रम है। यहाँ एक समारोह की तरह लोगों का हुजूम इकट्ठा है। यज्ञ की अग्नि कुंड जल रही है, वैदिक मंत्रोच्चार भी हो रहा है, क्योंकि मौका ही कुछ खास है। 10 मुस्लिम परिवार के 70 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। आचार्य मृगेंद्र सिंह शुद्धि यज्ञ कराकर सभी को धर्म में वापसी करा रहे हैं। आचार्य मृगेंद्र सिंह का कहना है कि 10 साल पहले इन सभी 10 परिवारों का एक मौलवी और कुछ मुस्लिम नेताओं ने लालच देकर और डरा धमका कर धन परिवर्तन कराया था, जिसके बाद इन सभी लोगों ने इच्छा जताई कि पुनः सनातन धर्म में घर वापसी करना चाहते हैं, इसलिए आश्रम में शुद्धि यज्ञ की व्यवस्था कराई जाए। जिसके बाद शुद्धि यज्ञ की व्यवस्था की गई, हवन किया गया और इन सबको सनातन धर्म में दीक्षित किया गया। मेरा नाम है ब्रह्मचारी आचार्य मृगेंद्र। आज घर वापसी कराई, कितने परिवारों की आपने घर वापसी कराई, कितने टोटल ये लोग हैं, इनके बारे में बताइए। ये 10 मुस्लिम परिवार है और इन्होंने आज सुबह ही आश्रम में आकर के आग्रह किया कि महाराज जी, हम 10 वर्ष पहले मुसलमान बन गए थे, हम जोगी बिरादरी से हैं, जिनको उपाध्याय भी कहते हैं। 10 साल पहले मुसलमान बन गए थे, हम अब पुनः सनातन धर्म में घर वापसी करना चाहते हैं, इसलिए आप आश्रम में हमारे लिए शुद्धि यज्ञ की व्यवस्था करो। फिर हमने इनके लिए शुद्धि यज्ञ की व्यवस्था करी, हवन किया, इनको सनातन धर्म में दीक्षित किया, इन्होंने आज सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। किन की पहले धर्म परिवर्तन करा था, कौन थे जिन्होंने का धर्म परिवर्तन करा था, कहाँ के ये लोग हैं? ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले लोग हैं और 10 साल पहले मुजफ्फरनगर के ही मौलवी और मुस्लिम नेताओं ने इनका धर्मांतरण कराया था। नाम गरीब लोग है, नाम खोलना उचित नहीं है। कितने लोगों की अब तक घर वापसी कराई? आज इन्होंने 70 लोग है, ये बड़े माता बहने बुजुर्ग बच्चे, ये कुल मिला के 70 लोग है और अब तक गत 1.5 वर्षों से इस योग साधना यशवीर आश्रम में लगातार घर वापसी अभियान चला हुआ है। बड़ी बड़ी संख्या में मुसलमान भाई बहन यहाँ घर वापसी कर रहे हैं। अभी तक 1100 के लगभग मुस्लिम भाई बहनों ने इस आश्रम में आकर के सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। अब नाम बदले गए हैं, पहले एक दो के नाम बताइए पहले थे, अब उनके नाम? अब इनके जो नाम रखे गए, पहले इनका नाम था, एक का नाम था नाहिद, उसका अब नाम रख दिया अरविंद कुमार। एक महिला का नाम था नाजिया, अब उसका नाम रख दिया गया कविता देवी। एक का नाम था गुलशन, उसका नाम रख दिया गया है अक्षय कुमार। अब इनके 70 लोग हैं ये, इनके 70 का नाम हिंदू धर्म के नाम, सनातन धर्म के नाम इनको दे दिए गए हैं। लगातार योगी सरकार में लगभग 1100 लोगों की धर्म वापसी हुई है, क्या कहेंगे, पहले क्या माहौल था और अब क्या ऐसा? देखो, पहले जो माहौल था, इस्लाम में जो भी हिंदू गए वे डर से गए या लालच से गए। अब पूरे भारत का बड़ा अनुकूल माहौल है, सनातन धर्म में इन लोगों की आस्था जाग रही है, क्योंकि भारत में एक बात स्पष्ट है, भारत में जितने भी मुसलमान हैं इनके सब पूर्वज हिंदू थे। अब इन लोगों की आस्था जाग रही है और मैं तो पूरे भारत के मुसलमान भाई बहनों से एक आह्वान करना चाहता हूं, आपके पूर्वजों ने जो गलती करी डर से या लालच से, आप अपने पूर्वजों की गलती को सुधार करके पुनः सभी लोग सनातन धर्म में घर वापसी करिए। योग साधना यशवीर आश्रम में आपके शुद्धि यज्ञ की सारी व्यवस्था की जाएगी। हिंदू धर्म में वापसी करने वाले जाकिर से सोनू बने व्यक्ति ने बताया कि जोगी जात में पहले से ही शव को दफनाया जाता है। अगर ये लोग अपने परिजनों के शव को दफनाना चाहते थे तो कोई दफनाने के लिए तैयार नहीं था, इस वजह से इन सब ने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया था। अब हिंदू धर्म में ये सोच कर आए हैं कि अब यहाँ पहले से ज्यादा बदलाव है। क्या नाम आपका? जाकिर। पहला क्या नाम था आपका? जाकिर, ना पहला नाम जाकिर था। अब क्या है? सोनू रखना चाहिए। तो कैसे आपने दूसरे धर्म में गए थे, आप मुस्लिम धर्म में, आप घर वापसी किए कैसे? ये पहले कभी हम जोगी थे और फिर हमने मुसलमान नाम रख लिया, मुसलमान में चले गए। मुस्लिम में कैसे चले गए आप, कैसे गए थे? हमको पहले से, अब से कम से कम 10-11 साल पहले ही ये जाति हमने उसमें बदल दी, कि जोगी जात था हमारा। जोगी जबरदस्ती बदलवाई थी? है जी, किसी ने जबरदस्ती बदलवाई थी, अपनी मर्जी ने बदलवाई? जबरदस्ती तो देखो जी, हम जोगी जात हैं, जोगी जात में पहले से ही दफना जाओ थे, पहले से दफना जाओ थे। अब उसके लिए हम जो अगर दफनाने चाहो थे तो उसके लिए कोई दफनाने के लिए तैयार नहीं था, नू तैयार नहीं था कि अगर मुस्लिम हो गए तो दफना जाओगे जी। और क्या, मैं वो से नहीं दफना देने गए, इस वजह से हमने
मगर चलो हमारे पे कोई व्यवस्था नहीं, तो हमने इस वजह से मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया। अब हिंदू धर्म में क्या सोच क्या है आप लोग? अब हिंदू धर्म में सोच क्या है कि पहले से ज्यादा अब कहीं कुछ बदलाव है, अब जाके कहीं हमें कोई व्यवस्था मिल सकती है, अब यहाँ सुरक्षा मिलेगी, मिलेगी जो हमें पहले मिल नहीं सका वो अब मिल सके। दरअसल योग साधना यशवीर आश्रम ने लगातार घर वापसी अभियान चला रखा है। बड़ी संख्या में लोग इस आश्रम से जुड़कर घर वापसी कर रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में करीब 1100 मुस्लिम परिवारों ने इस आश्रम में आकर सनातन धर्म में घर वापसी की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।